स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। श्रावस्ती के जगजीत इंटर कॉलेज में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया। नड्डा श्रावस्ती की 290 विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी राम फेरन पांडे के समर्थन में पहुंचे। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि हर राजनीतिक पार्टी इस समय अपना जोर दे रही है और अपनी ओर जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका मतदाताओं को करना होगा। उनको देखना होगा कि कौन सी राजनीतिक दल ने उनका विकास किया है। इसी के साथ उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। हम हैं जो छाती ठोक के कहते हैं, जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। बताइए, ये आजम खान जिसको अखिलेश जी साहब करके बुलाते हैं, ये दंडनाता था कि नहीं दंडनाता था? दंडनाता था कि नहीं दंडनाता था? ये मुख्तार अंसारी, ये दंडनाता था कि नहीं दंडनाता था? ये आतिक अहमद दंडनाता था कि नहीं दंडनाता था? ये 5 साल पहले दंडनाते थे और 5 साल से जेल में तीनों गुल्ली डंडा खेल रहे हैं आजकल गुल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उचाहार विधानसभा के अंतर्गत जगतपुर कस्बे कांग्रेस प्रत्याशी अतुल सिंह के समर्थन में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, भाजपा सरकार थोड़ा सा पैसा और राशन देकर वोट खरीदने का काम कर रही है, चुनाव आते ही ये सब बार बार देना शुरू कर दिया। कोरोना के समय ऑक्सीजन और दवा के पैसे भेजने का काम हमारी पार्टी ने किया। यूपी में सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनावी मैदान में जी जान से लगे हुए हैं। यूपी की राजनीति का केंद्र लखनऊ रहा है और जहां लखनऊ के पूर्वी विधानसभा की सीट काफी अहम मानी जाती है। पूर्वी विधानसभा सीट को साधने के लिए बीजेपी की ओर से पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा की अगुवाई मोदी विचार मंच के जिलाध्यक्ष अंजनी श्रीवास्तव कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पदयात्रा के जरिए जनसंपर्क भी किया। यूपी की चुनावी रसाकसी इस वक्त जोर पे है। यूपी की एक काफ़ी अहम विधानसभा सीट है लखनऊ पूर्वी, और ये लखनऊ यूपी की राजनीति का केंद्र रहा है। यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे पथ यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, और यहाँ पे आज इसकी अगुवाई कर रहे हैं अंजनी श्रीवास्तव जी। जी अंजनी श्रीवास्तव जी, ये बताएं कि आपकी पार्टी जो यहाँ पे आपकी पार्टी सत्ता में रही है, जी जी जी, तो अभी तक आपने ऐसे क्या काम किए हैं पिछले 5 सालों में जो आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन और ऐसे क्या काम बचे हैं जो आपको लगता है कि अगर आप पुनः निर्वाचित किए जाते हैं, पुनः चुने जाते हैं, तो आपकी पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र में वो काम, कौन से काम ऐसे हैं जो करेगी? जी भाई साहब, हमारी पार्टी ने हर वर्ग का विकास किया है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश दिया है, और आप कहीं भी देख लीजिए, पूरे प्रदेश का सर्वे करवा लीजिए। बाबा ने बोला था गड्ढा मुक्त रोड, हाईवे दिया है, मेडिकल कॉलेज दिया है, हाँ आगे हम लोग प्रदेश का, देश का ऐसे ही विकास करते रहेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आप देख लीजिए पूरी टीम। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आज से नहीं, शुरू से ही लगे हुए हैं और हिंदुत्व के नाम पर लगे रहेंगे। जय श्री राम। तीन चरण के मतदान आज पूरे हो जाएंगे, इसको देखते हुए आपकी पार्टी का इंटरनल सर्वे क्या कहता है? हमारा इंटरनल सर्वे सर, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है 300 प्लस की। जी हम लोग 300 प्लस की सरकार बना रहे हैं। इस सीट पे अनुराग भदौरिया जो कि सपा प्रत्याशी हैं, वो कई अपने बयानों के चलते कई बार सुर्खियों में रहते हैं, कितना कंपटीशन है यहाँ पे? कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। मर्यादा की बात कर रहा हूँ, पिता के सामने अगर बेटा खड़ा होगा, पिता के सामने अगर बेटा खड़ा होगा, तो पिता जितना व्यवस्था, जितना लाइफ, जितनी उम्र गुजार चुका है, लड़का तो नहीं गुजारा है, तो उनके सामने, हमारे टंडन जी के सामने हम ये कहना चाहता हूँ कि अनुराग भदौरिया जी अभी बच्चे हैं, कहीं कोई टक्कर नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा हम लोग बीजेपी की सरकार
बनाने जा रहे हैं और माननीय आशुतोष टंडन जी को जिता रहे हैं। तो इनका इनका कहना है कि आगामी चुनाव में इनके जो प्रत्याशी हैं आशुतोष टंडन जी वो निर्वाचित पुनः निर्वाचित किए जाएंगे। इसके चलते आप ये बताएं कि अगर आप पुनः निर्वाचित हो जाते हैं तो आपने अभी बताया कि गड्ढा जो सड़कें हो गई हैं, आपने पूरे प्रदेश में जोर तोर तरीके से काम किया है, आगे के 5 साल क्या करिएगा? आगे के 5 साल प्रदेश की सेवा करेंगे। किस माध्यम से? हर एक क्षेत्र से, जहां जो कमियां पाई जाएंगी उसको दूर किया जाएगा। और कहीं अभी जो भी काम रुक गया है उसको हम लोग पुनः फिर से शुरुआत करेंगे और प्रदेश का विकास करेंगे। योगी बाबा से अच्छे मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में पीछे हम लोग को मिला नहीं। मिला होता तो ये जन समूह आपको नहीं दिखता, उसी समय दिख जाता आपको। लेकिन जन समूह घर घर नारा है, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। योगी मोदी जिंदाबाद। तो योगी और मोदी किस पूरे प्रदेश के पुत्र नहीं है, लेकिन पूरा प्रदेश जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। तो इससे सोचिए कि हम लोग कितना अच्छा, हमारी सरकार ने काम किया, हमारी पार्टी ने काम किया, तभी तो योगी मोदी घर घर जिंदाबाद हैं। आज हम लोग सुबह 9 बजे से पूरा पूर्वी विधानसभा 173 का हम लोग सर्वे कर रहे हैं और पैदल मार्च भी किए हैं और गाड़ी घोड़ा से भी मार्च कर रहे हैं। हम लोग बाद में बोलते हैं जय श्री राम, जो हमारे वोटर हैं पूर्वी के 173 विधानसभा के पूर्वी के जो वोटर हैं वो पहले बोलने लगते हैं जय श्री राम जय श्री राम। इससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है। इससे ये पता चलता है कि हमारी सरकार पूर्णतः पूर्ण बहुमत में आ रही है। इसीलिए अभी आपने पूछा तो हमने बताया कि 300+, उसके नीचे तो कोई बात ही नहीं करनी है और यही होगा। और फिर से बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, अब माननीय आशुतोष टंडन जी फिर हमारे मंत्री बनेंगे। ये थे हमारे साथ अश्विनी श्रीवास्तव, जो पथ यात्रा के माध्यम से लखनऊ पूर्व विधानसभा में वापस से अपने जनप्रतिनिधि आशुतोष टंडन जी के लिए वोट मांग रहे हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं अभिषेक, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर कुशीनगर जिले से है, जहां विधानसभा पडरौना 33 से भाजपा के प्रत्याशी मनीष जायसवाल को पडरौना विधानसभा से उम्मीदवार घोषित किया गया है। बता दें कि मनीष जायसवाल ने पडरौना विधानसभा में क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील करते हुए कहा कि मुझे जनता का आशीर्वाद मिला है और चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बेरोजगार और नौजवानों के लिए काम किया जाएगा। पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है कि इस विधानसभा में कमल खिलाया जाए, तो जनता के विश्वास के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम के साथ इस बार पडरौना विधानसभा 330 में अपार जन समर्थन के साथ कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी, देखिए मेरी प्राथमिकताएं होंगी। सबसे पहला प्राथमिकता होगा जो हमारा पडरौना नगर क्षेत्र है, जिससे लगभग आधी विधानसभा पडरौना नगर क्षेत्र से ही होकर गुजरती है और उस गुजरने के दरमियान जाम का सामना करना पड़ता है। तो पडरौना विधानसभा को सबसे पहले उसकी सबसे पडरौना विधानसभा को सबसे मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी है कि पडरौना विधानसभा को एक शहर को बढ़िया बाईपास या सर्किल रोड दिया जाए। मनीष जायसवाल जिंदाबाद। तीसरे चरण में हो रहे मतदान को लेकर 202 बिधूना विधानसभा के क्षेत्र एरवाकटरा में विकलांग एवं बुजुर्ग नौजवानों में उत्साह दिखाई दिया, लेकिन 28 नंबर पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने से 1 घंटे से ज्यादा मतदान बाधित रहा और मतदाता परेशान रहे। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार और मजिस्ट्रेट ईवीएम को सही करने में जुट गए। वहीं बात करें तो विकलांग भी बैसाखी लगाकर वोट डालने आ रहे हैं और 95 साल की वृद्ध महिला ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भाई साहब ये 40 मिनट हो गए लगभग मशीन काम नहीं कर रही है। बूथ नंबर क्या? 28 नंबर। उनकी उम्र है 95 साल। 95 साल। क्या सोचकर मतदान करने आई हैं? अपनी इच्छा से बोला मैं मतदान करूंगी, तो हम लोग गाड़ी से लेके इनको आए। सोच का अपनी मर्जी था, हमने वोटर सब डाटा है तो हम अपन उठा रहे हैं और का
क्या चाह रहे, सरकार बदलाव या आप? जो फिर बताया करो जय बाकी संग और रुका पे हम गए, हमने किसी से पूछा नहीं, हमने अपना मालूम रूम नंबर 3 देखा वहाँ वोट पर गए। वोट डाल के क्या कहना चाहेंगे? वोट डाल के यार, वोट डाल के बहुत खुश हैं वोट डाल के। श्रावस्ती में आज लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे रहे। जनता इंटर कॉलेज पटना खरगोरा प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार रेलवे को बेच दिया, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है। सरकार कहती है हमने गाँव गाँव बिजली पहुंचा दी है, लेकिन थर्मल पावर एक भी नहीं लगाया। जहाँ जहाँ चुनाव होगा हर जगह चुनाव लड़ रही है कमों बेस सीटों पर, और मेरा जो पार्टी का लक्ष्य है वो यह है कि देश की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार कम हो। दुख की बात है कि 70 वर्ष हो गया हर पार्टी गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस जब हुकूमतों में थी तब गरीबी रेखा 30%, भारतीय जनता पार्टी की 30 साल के बाद बहुमत की सरकार आई है तब भी गरीबी रेखा के नीचे 30-35%। ये परसेंटेज जो गरीबी रेखा के नीचे वाला है, जिसमें हम विश्व के सामने हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी जाते होंगे और कहते होंगे कि हम गरीबी रेखा के नीचे 30% हैं और अनुदान मांगते होंगे, तो लगता होगा कि अंदर से उनको भी शर्म आती होगी। यूपी में आज तीसरे चरण का चुनाव है, सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। वहीं देवरिया में प्राइम टीवी के संवाददाता ने भाटपा रानी में जनता से उनके चुनावी मुद्दे जाने और आने वाली सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं ये भी जानी। अभी देखिए क्या कुछ बातचीत हुई। देवरिया जनपद के विधानसभा भाटपा रानी में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ के विधायक आशुतोष उपाध्याय हैं, जो बीजेपी लहर में भी सपा के विधायक रह चुके हैं। और आपको बता दें कि यहाँ कई लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी और क्या इनके आगे के मुद्दे रहेंगे। मैं अनिल सिंह तोमर, ग्राम प्रधान छपरा बुजुर्ग। मित्रों, भाटपा में फिर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट माननीय आशुतोष उपाध्याय जी विधायक बनने जा रहे हैं और यहाँ से उत्तर प्रदेश में सपा की गवर्नमेंट बनने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और साथ ही भाटपा के विधायक। बीजेपी ने भी तो विकास किया है, देखिए कुछ नहीं, एक छलावा हुआ है, जनता से छलावा हुआ है। और माननीय आशुतोष उपाध्याय जी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। इस बार किसकी सरकार बाबा? मैं अनिल यादव, प्रधान संगठक बनकटा। इस बार तो ये भाटपा विधानसभा माननीय कामेश्वर उपाध्याय जी स्वर्गीय, उनकी कर्म भूम रही है और यहाँ की राजनीति स्वच्छ छवि, मजबूत चेहरा, गरीबों की लड़ाई, गरीबों की आवाज़ उठाने वाले ही नेता को हमेशा जनता वोट करती है। इस बार किसकी सरकार? यहाँ देखिए सातों विधानसभा में समाजवादी पार्टी की जीत हो गई और हमारे भाटपारानी विधानसभा आशुतोष उपाध्याय विधायक जी जो 50,000 वोट से आशुतोष उपाध्याय यहाँ विकास किए हैं। देखिए तहसील, पांच विकास बताइए, तहसील बनवाए विधायक जी द्वारा बनवाया गया है, ITI कॉलेज बनवाया गया है भवानी छपर में विधायक जी द्वारा बनाया गया है, इसके बाद हॉस्पिटल बनवाया गया है, इसके बाद ब्लॉक का सुंदरीकरण हुआ है जो मरम्मत हुआ है, मलनी में स्टेडियम बनाया गया है। जनपद के विधानसभा भाटपा रानी में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहां के विधायक आशुतोष उपाध्याय हैं, जो बीजेपी लहर। फिरोजाबाद विधानसभा के हनुमानगढ़ लक्ष्मी कॉन्वेंट स्कूल के मतदान केंद्र बूथ संख्या 305 पर आज एक नवविवाहिता ने मतदान किया। ससुराल जाने से पहले नवविवाहिता ने अपने अधिकार को जानते हुए मतदान किया। वोट डालने के लिए नवविवाहिता की वोट डालने पहुंची और उसके बाद उसकी विदाई हुई। सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र उसका बाजार के महादेवा राय में एक ट्रक ने 12 वर्षीय लड़के को रौंद दिया, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए। परिजनों समेत ग्रामीणों ने रोड जाम कर जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर परिजनों को समझाने में जुटी। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन के बड़े मशक्कत करने के बाद मामले को शांत कराया गया और परिजनों का आरोप है कि ब्रिजमनगंज के रोड पर बहुत दुर्घटनाएं होती हैं और प्रशासन इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह 10 बजे
एक लड़के जिसकी उम्र 12 वर्ष थी, सागर अगरही सना उमेश अगरही का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। ट्रक को बीरमनगंज पुलिस ने पकड़ लिया है और बच्चे का शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारा नाम उमेश है और हमारा छोटा लड़का है सर। मामला एक्सीडेंट हुआ है ट्रक से, ट्रक वाला ठोक करके हमारे बच्चे को भाग गया है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।